अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम विजुअल स्टूडियो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में इसकी हम एक्टिवेशन भी करें। तो यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो लिख कर सर्च कर दूंगा और हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, मेक श्योर करना है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हूँ। तो ये ओपन हो चुके, तो हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे और डाउनलोड विजुअल स्टूडियो बटन पर क्लिक करेंगे। हम इसका इंटरप्राइज वर्जन डाउनलोड करेंगे, तो ये थोड़ी देर में इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो जी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, ये छोटी सी फाइल है, दरअसल ये वीडियो स्टूडियो नहीं होगा, ये इसका इंस्टॉलर होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है, उसी हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देख लेते हैं, इसको इसका टाइम देते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें जी, तो मैं जो एक्टिवेशन की है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने कॉपी करके इसको अप्लाई कर देना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा और इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखें जी, ब्लैक विंडो शो करवा रहा है, तो ये रन हो रहा है दरअसल। तो ये देखें, आपने कंटिन्यू कर देना है इसका इंस्टॉलर। ये इसका इंस्टॉलर है, ये डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। ये भी आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी डाउनलोड होता है। अगर तो स्लो है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले जाएगा और ये इतने MB का होता नहीं, ऑलमोस्ट 75 MB होता है। तो ये देखें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग का फर्क है। तो ये देखें जी, ये अभी आपको सारे पैकेज शो करवाने हैं। दरअसल इसमें तीन तरह के पैकेज होते हैं, विंडो फॉर्म के लिए और वेब के लिए और लिनक्स के लिए, या ऐप डेवलपमेंट है। तो आपको जो उनसे रिक्वायर है, आप उसके मुताबिक डाउनलोड कर लीजिए। मैं जो है वो वेब पर काम करता हूँ, तो मैं वेब डेवलपमेंट ही करूँगा। मैं .NET वेब डेवलपमेंट पर काम करता हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने यहाँ राइट कॉर्नर में नीचे बॉटम पर आपने देखना है कि इंस्टॉल का बटन बना हुआ है, और इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट थिंग है, उन्होंने स्पेस रिक्वायर दी हुई है कि इतनी स्पेस आपकी पार्टीशन पर रिक्वायर है, होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, और ये आपकी सिर्फ सी विंडो में ही इंस्टॉल होगा, यानी कि जिस विंडो, जिस पार्टीशन में आपकी विंडो पड़ी हुई है उधर ही सिर्फ इंस्टॉल होगा। तो ये देखें जी, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसकी डाउनलोड करूँगा और बाद में इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, तो बाद में आपको बताता हूँ कि इसकी एक्टिवेशन किस तरह करनी है। आप ये देखें, ये जल्दी से सारा कुछ हो जाएगा। तो ये मैं वीडियो इसको थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप डिस्टर्ब ना हो। तो ये जल्दी में थोड़ा सा हो जाएगा, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको ये नहीं पता प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। ये देखें जी, ये जल्दी से हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह हमने इसकी एक्टिवेशन करनी है और किस तरह हमने इसको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस करना है। ये ले जी, मैंने कर लिया। तो आपने हेल्प में चले जाना है और वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हम इसकी एक्टिवेशन की अप्लाई कर देंगे। और मैं यहाँ इंटरनेट भी ऑफ़ करने लगा हूँ, मेक श्योर कर लें। अगर ना भी करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर कर लें तो बेस्ट है, अगर कोई मसला नहीं जनरेट होगा। देखिए, अब मैंने इसकी एक्टिवेशन की अप्लाई कर दी है, तो आप देख रहे हैं लाइसेंस प्रोडक्ट की अप्लाइड, तो ये एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरह आपने इसको एक्टिवेट कर लेना, ये दोबारा देख लें। तो यही जो एक्टिवेशन की है, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने कॉपी करके ये कर लेना। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।